चलिए आज न्यू टॉपिक के साथ हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है सबसे पहले तो देख लें। बायोलॉजी देखिए दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो एंड लॉगस। बायो का मीन्स होता है लाइफ एंड लॉगस का मीन्स होता है स्टडी। तो क्या हुआ मतलब बायोलॉजी का, स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, या ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। समझ में आ गया ना, जहाँ लाइफ की बात होती है, जहाँ लाइफ की स्टडी होती है इज कॉल्ड बायोलॉजी। सिंपल, लिविंग थिंग्स की बात होती है वो भी आप कह सकते हैं, उसकी स्टडी को भी कह सकते हैं बायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को नॉर्मली तीन भागों में बांटा गया है, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बहुत जगह आप बॉटनी एंड जूलॉजी देखेंगे, लेकिन अगर प्लांट और एनिमल की ही स्टडी की जाए तो माइक्रोब्स की स्टडी कहाँ होगी, सोचने वाली बात है। इसलिए बायोलॉजी का मेजर ब्रांच या मेजर डिवीज़न कह सकते हैं तीन होता है, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम क्या स्टडी करते हैं, प्लांट। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। जल्दी जल्दी चल रहे हैं, इसमें कुछ खास समझने का है नहीं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोअंस, वायरस, इन सब की स्टडी क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पे थोड़ा फोकस करेंगे अच्छे से, फिर हम पढ़ेंगे फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, पहले देखते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी, देखो टैक्सोनॉमी क्या होता है, हम प्लांट और एनिमल का नेमिंग के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इंडिया में एक ही प्लांट मैंगो को यहाँ पे मैंगो बोलते हैं और कहीं और कुछ और बोलते हैं, यूएस में मान लीजिए सपोज कुछ कुछ भी बोल सकते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना। इसलिए हम दोनों समझने के लिए मैग्नीफेरी इंडिका बोलते हैं, ये वर्ल्ड वाइड है, हो गया नाम। तो इस चीज़ को समझने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे नेशन में एक ही नाम बोला जाए, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम बोला जाए, उसके लिए हम टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं। एनिमल हो या प्लांट हो, कोई भी सिमिलर नेम हो पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए हम टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं। तो क्या स्टडी हुआ, नेमिंग के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट, प्लांट एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म तो दोनों हो गए। ठीक है, फिर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, प्लांट एंड एनिमल की स्टडीज करते हैं, साइज, शेप एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कलर के बारे में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एंटोनॉमी, एंटोनॉमी क्या स्टडी करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, LS और TS काटते हैं, उसकी स्टडी करते हैं ताकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम जान पाएँ, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे कैसा है, उसका फंक्शन कैसा होता है, उसके लिए एंटोनॉमी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी, वो फिजियोलॉजी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करता है, इसकी स्टडी किस में करेंगे, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, डाइजेशन कैसे करता है, एक्सक्रीशन कैसे करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे करता है, प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ये सब का स्टडी फिजियोलॉजी में करते हैं हम। ठीक है, अब बात आती है हिस्टोलॉजी, टीशू का ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू, इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी, हम सेल और उसके स्ट्रक्चर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं साइटोलॉजी में, उसको साइटोलॉजी स्टडी बोलते हैं। सेल बायोलॉजी,
सेल बायोलॉजी में ऑर्गेनेल्स एंड सेल्स का मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक्स, डेवलपमेंट, पैथोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट देखते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको पता है आरएनए डीएनए का स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो उसकी फिजियोकेमिकल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन, सिंथेसाइज वर्क्स एंड इंट्रैक्शन ऑफ, जैसे आरएनए आरएनए इंट्रैक्शन हो गया, आरएनए डीएनए इंट्रैक्शन हो गया, उसके वेरियस एक्टिविटी के बारे में हम स्टडी करते हैं। सिंथेसाइज कैसे होता है डीएनए हमारे बॉडी में, उसकी स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी, एक एम्ब्रियो कैसे एक इंडिविजुअल बना लेता है, एक स्पीसी, एक जीव बना लेता है, हम इसकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, ज़्यादा है भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ। जेनेटिक्स, इसमें हम जीन की स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, इसमें ये स्टडी करते हैं कि एक पेरेंट्स से हमारे में कैसे करेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे आए हैं, ये हम जेनेटिक्स में देखते हैं, उसके जीन के बारे में स्टडी पूरा करते हैं। वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी करते हैं हम, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस का नेचर क्या है, कैसे अटैक कर रहा है, उस सब की स्टडी हम किस में करेंगे, वायरोलॉजी में। एवोल्यूशन, हमारी ओरिजिन कैसे हुई, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम पृथ्वी पे कैसे आए, हमारे पूर्वज कौन हैं, इन सब की स्टडी हम कहाँ से करते हैं, एवोल्यूशन में। सिंपल सा बात है। पैलेंटोलॉजी, इसमें हम फॉसिल्स का स्टडी करते हैं, जो स्पीसीज पहले एग्जिस्ट करते थे पृथ्वी पे, अब वो नहीं है, उसकी स्टडी करते हैं। लाखों करोड़ों साल पहले वो स्पीसीज एग्जिस्ट करते थे, लाइक डायनासोरस, वो उनका फॉसिल्स लेते हैं और स्टडी करते हैं, ताकि पता लगा पाएं कि ये स्पीसीज का नेचर क्या था, कैसा था, उसकी स्टडी कहाँ करते हैं, पैलेंटोलॉजी में। इकोलॉजी, इट इज़ ए स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिलेशन टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। सिंपल वे में समझिए, हमारा इंट्रैक्शन बाहरी वातावरण से कैसे हो, जैसे लिविंग थिंग्स का इंट्रैक्शन एयर से, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वाटर का रिलेशन हमारे साथ है, ये सब रिलेशन का स्टडी हम इकोलॉजी करते हैं। नेक्स्ट, फील्ड ऑफ बायोलॉजी, एग्रोफॉरेस्ट्री, लैंड पे क्रॉप प्लांट लगाते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं, उनका कल्टीवेट, उनको कैसे कल्टीवेट होता है, वो जर्मिनेट कैसा होता है, इसकी स्टडी हम एग्रोफॉरेस्ट्री में करते हैं। एग्रोनॉमी क्या होता है, क्रॉप प्लांट की स्टडी को एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसको होते हैं, स्टडी ऑफ ग्रास। एंजियोलॉजी, हम इसमें डील करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में, हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, कैसा बना हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, इन सब की स्टडी हम एंजियोलॉजी में करते हैं। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन। एपिकल्चर, बी का स्टडी करते हैं, बी का कल्चर कैसे करते हैं, बी का क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब स्टडी हम एपिकल्चर में करते हैं। आर्थ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे हिंज जॉइंट, सॉकेट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सब जॉइंट्स की स्टडी हम ऑर्थोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। देखिए, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया जो है वो बेनिफिशियल होता है हम लोग के लिए, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन सारे बैक्टीरिया की स्टडी हम बैक्टीरियोलॉजी में करेंगे। बायोकेमिस्ट्री, इसमें हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल कंपाउंड का स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, ये एक अप्लाइड ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूटिलाइज करते हैं और हम डिफरेंट टाइप
के डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोलॉजी, हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। कॉन्डियोलॉजी, कार्टिलेज की स्टडी को हम कॉन्डियोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोलॉजी, हर्ब्स एंड ट्री का स्टडी को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी, स्किन की स्टडी, स्किन में डिजीज क्या हो रहा है, स्किन में कैसे कितने लेयर का बना होता है, क्या होता है स्किन, सारी स्टडी, स्किन का फंक्शन क्या होता है, इन सब का स्टडी डर्मेटोलॉजी में करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है जो बहुत सारे हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करता है, उसकी स्टडी हम एंडोक्राइनोलॉजी में करते हैं। ठीक है, एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। एंजाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की स्टडी को हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होता है, खाते हैं हम लोग, तो उसका डाइजेशन कौन करता है, एंजाइम कराते हैं। प्रोटीन्स के लिए अलग एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम है, फैट्स के लिए अलग एंजाइम है, उन सबका स्टडी एंजाइमोलॉजी में करते हैं। एंटियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एंटियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लावर यील्डिंग प्लांट का स्टडी हम करते हैं इसमें। गायनेकोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, उसके हार्मोन्स, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। हेमेटोलॉजी, ब्लड की स्टडी करते हैं, ब्लड कितने टाइप का होता है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, उसका नेचर क्या है, इस सब का स्टडी हम हेमेटोलॉजी में करते हैं। हिपैटोलॉजी, लीवर की स्टडी करते हैं इसमें, स्टडी ऑफ लीवर। हॉर्टिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स प्लांट। इम्यूनोलॉजी, आजकल इम्यून सिस्टम का बहुत बात हो रहा है, तो इम्यून सिस्टम को हम कवर करते हैं इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट देखते हैं कायरोलॉजी, न्यूक्लियस की स्टडी हम करते हैं कायरोलॉजी में। मैमेलोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स। ठीक है, माइकोलॉजी, फंगस की स्टडी करते हैं, फंजाई बोलते हैं इसको, सिंगुलर फंजाई, फंगस प्लूरल हो गया। नेफ्रोलॉजी, किडनी की स्टडी करते हैं। न्यूरोलॉजी, नर्व सिस्टम की स्टडी करते हैं न्यूरोलॉजी में। ओडेंटोलॉजी, टीथ एंड गम, बॉल सॉकेट टीथ में होता है, ये सब की स्टडी हम करते हैं, इसके फंक्शन नेचर क्या है। ऑन्कोलॉजी, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, इसकी स्टडी हम ऑन्कोलॉजी में करते हैं। उलॉजी, स्टडी ऑफ एग ऑफ बर्ड। ऑप्टोलॉजी, ऑप्टोमोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट के स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ वेरियस डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चलते, माइक्रोब्स के चलते, उसकी स्टडी हम पैथोलॉजी में करते हैं। पेडोलॉजी, सॉइल्स की स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी, मेडिसिन का सिंथेसिस और किस ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, उसकी स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। फाइकोलॉजी एंड एल्गोलॉजी, इसकी स्टडी हम किस में करेंगे, इसकी स्टडी में हम एल्गी की स्टडी करते हैं। पोमोलॉजी, फ्रूट्स की स्टडी करते हैं इसमें। आज के लिए इतना ही, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।